हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 64 पर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है भेल की तरफ से। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में रिक्रूटमेंट है इंजीनियर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। सैलरी जो है 71,000 के अप्रॉक्स रहेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा विदाउट एनी एग्जाम। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, कौन ब्रांच एलिजिबल है, कैसे जो है, क्या क्या क्राइटेरिया, सब कुछ डिटेल बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में रिक्रूटमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है पावर सेक्टर ईस्टर्न रीजन में। नीट एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सिविल के लिए FTA बेसिस पे है। यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे जो बोला गया वैकेंसी है यहाँ पे, तो 2 साल के लिए एक्सपीरियंस इंजीनियर और सुपरवाइजर की भर्ती की जा रही है। इंग्लिश प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और 2 साल के लिए किया जा रहा है प्रोजेक्ट के हिसाब से। बाद में प्रोजेक्ट पड़ता है तो बढ़ा दिया जाएगा। इंजीनियर FTA सिविल में है, सुपरवाइजर सिविल के लिए 7 पोस्ट है, 15 पोस्ट है, टोटल 22 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर विदाउट जो है गेट स्कोर या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। 2 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए रेगुलर जो है पोस्ट के लिए। डिग्री जो है आपके सिविल में, या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री का कोर्स है, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डुअल डिग्री है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, आप अपना कर सकते हैं। 60% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। SST के लिए 50% चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए जैसे RCC हुआ, स्ट्रक्चर स्टील फैब्रिकेशन इरेक्शन वर्क प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। सीमेंट प्लांट में है, रिफाइनरी में है, मतलब मिनिमम 2 साल का होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपकी जैसे MS ऑफिस, AutoCAD वगैरह में नॉलेज है तो काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर इज प्रिफर, ठीक है, प्रीफर किया जाएगा पावर सेक्टर में है तो। इसके बाद सुपरवाइजर में जो है डिप्लोमा वालों के लिए है। यहाँ पे डिप्लोमा 60% होना चाहिए, SST के 50%, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी जरूरी है सेम के लिए। तो सुपरवाइजर की पोस्ट डिप्लोमा के लिए, बाकी BE BTEC के लिए है। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम एज 34 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट 37 साल तक, और SC ST 5 साल यानी 39 ईयर तक कर सकता है। बाकी PWD कैंडिडेट तब भी छूट मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और 5 ईयर कैंडिडेट जो है डोमिसाइल हैं जम्मू कश्मीर के, उनके अलग से छूट मिलती है। तो इस सीटें कुछ इस तरह से देख लीजिए, अनिजब में 5 है और सभी कैटेगरी अप्लाई कर पाएगा। SC ST OBC के लिए है, यहाँ पे 17 और 5 इस तरह से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, और वैकेंसी रिजर्व फॉर OBC कैटेगरी आर मिंट ओनली फॉर कैंडिडेट कमिंग अंडर नॉन क्रीमी लेयर। ध्यान रखिएगा, नॉन क्रीमी लेयर OBC में जो आते हैं उन्हीं के लिए है। तो 2 साल के लिए किया गया है यहाँ पे। सैलरी अच्छी मिलेगी, 71,000 रुपये मिलेगा आपको इंजीनियर FTA सिविल में, और सुपरवाइजर FTA सिविल में 39,670। इन एडिशनल आपको जो है मेडिकल हो गया, पॉलिसी 2 लाख तक का, सेल्फ स्पाउच एंड डिपेंडेंट्स मेंबर फैमिली के लिए। सिलेक्शन के लिए बात करें, एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे आपका, और जो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगा आपका। रेशियो 1:10, 1 सीट पर 10 लोग को। वैकेंसी इन केस ऑफ रिसीव मोर नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट बियॉन्ड, एक सीट पे ज़्यादा 10 से ज़्यादा आते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम नहीं कराया जाएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो पोस्ट आर प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेल ने साफ साफ बोल दिया है। और यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब कैंडिडेट शुड पोस्ट द जॉब स्पेसिफिकेशन 1/9/2021 एज क्वालिफिकेशन की गणना की जाएगी। कैंडिडेट नॉट हैविंग रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का होना जरूरी है, ठीक है। अगर उससे कम है तो मत करिएगा, साफ साफ बोला गया है। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड इफ एनी। तो अगर आपका जो है 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, आपका अप्रेंटिसशिप भी कर रखा है तो वो आपका होगा। कैंडिडेट शुड बी एबल टू फर्निश देयर रिलेवेंट डिग्री डिप्लोमा एंड क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन ओरिजिनल टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय आपको देना होगा। 200 रुपये फीस है, और यहाँ पे तो SC ST से कोई फीस नहीं है, ठीक है। और पेबल SPA ऑनलाइन फॉर्म है, आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको ऐसे कुछ जमा करना होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत है भी ऑनलाइन जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फॉर्म भी भर सकते हैं। और फॉर्म ध्यान से भरिएगा, केयरफुली फिलअप, साफ साफ बोला गया है, कुछ गलती मत करिएगा, इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे आप, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के भरिएगा। और बोला गया है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आवर वेबसाइट से आपको करके कैरियर पर जाके हम फोटोग्राफ पेस्ट करके दे सेंड करना है आपको। डिमांड ड्राफ्ट और SB कलेक्ट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट प्रिंट आउट आपको भेजना होगा। इन केस ऑफ मे बी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट मेंशन पॉइंट नंबर 17, एड्रेस गिवन बिलो दिया गया है, और 1 अक्टूबर से पहले जो है पहुंच जाना चाहिए। और फ्लंग्स एरिया जैसे दूर वाले एरिया हैं उनको 8 अक्टूबर तक डेट दिया गया है, ठीक है। एड्रेस आपको कहाँ भेजना है, हार्ड कॉपी एड्रेस ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, कैसे, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर HR भेल पावर सेक्टर ईस्टर्न रीजन भेल भवन, ये आपको भेजना कोलकाता के लिए,
ठीक है, दोनों में सेम करना है। और अपना ऊपर जरूर से पोस्ट लीजिएगा कि इस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए तभी आपका मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट होगा कमेंट बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैथ और जीनी के शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए। बाकी सब कुछ बता दिया है, फॉर्म के लिए लिंक मैं आपको दे दूँगा, क्लास 10 सर्टिफिकेट लगेगा और इंटरव्यू के समय आपका ST/ST OBC, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिग्री हो या डिप्लोमा जो भी है, ठीक है वो कर लीजिएगा। और 24/9 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं और वो आपको प्रिंट आउट भेजना ही होगा ऑनलाइन भरने के बाद भी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।